अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पिप मेड्स अ कन्विक्ट का स्टार्ट। ठीक है, हमने स्टार्ट के 2.5 पेजेस पढ़ लिए थे। मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भी शो कर दिया थे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। हमने यहाँ तक किया था अपना कवर। इसमें यह था कि पिप एक ऑर्फन बॉय है और वो अपने ग्रेवयार्ड में अपने पेरेंट्स के ग्रेव्स पर उनके टॉम स्टोन्स पर खड़ा। ही वॉज क्राइंग देयर एंड देयर ही मेड्स अ कन्विक्ट कन्विक्ट अ प्रिजनर एंड ही वॉज एस्केप्ड। ठीक है, अपने जेल से एस्केप किया आया हुआ था। अब हम वहाँ पर उसे फिर पिप मिलता है। पिप से वो कहता है कि यू विल गिव मी ग्रब मीन फूड एंड फाइल टू कट द चेन। ठीक है, पिप उसे दोनों चीज़ें ले देते हैं। बट जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के नॉवल से डिराइव्ड है ये स्टोरी, उससे अडॉप्ट की गई है। तो उस नॉवल में ये है कि ये जो कन्विक्टेड प्रिजनर है, ठीक है, ये जो कन्विक्ट है, ये ही वॉज रिकैप्चर्ड अगेन इन द जेल। ठीक है, इवेंचुअली द प्रिजनर वॉज रिकैप्चर्ड एंड टेकन बैक टू प्रिजन। आफ्टर ऑल उसको प्रिजन में ले जाया जाता है। और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं इस नॉवल में, लेकिन आपकी स्टोरी में सिर्फ यही टू जो हैं ये मेजर करेक्टर्स हैं। और दूसरे बैकग्राउंड करेक्टर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस जो जो उसके पिप के सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, ड्रेडफुली मीन टेरिबली फ्राइटेंड एंड होप्ड दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी। कि वो मुझे उसने उसको पिप को टॉम स्टोन पर बिठाया हुआ था ना, और वहाँ से उसको बार बार टिल्ट कर रहा था, स्लो पोजीशन में उसको बार बार मूव कर रहा था। तो पिप चाह रहा था कि शायद वो खौफजदा था, तो बहुत आई वॉज सो टेरिफाइड बाय द कन्विक्ट। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो उसे ना गिराए। आई क्लंग टू हिम, आई स्टे क्लोज टू हिम विद बोथ हैंड्स। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स, डिप्ड मी ड्रॉप अवे बैकवर्ड्स एंड रोल्ड मी राउंड so that the church seemed to jump over its own weathercock. Weathercock होता है a device in the shape of a cockerel used to show which way the wind is blowing. ठीक है, wind को indicate करने के लिए, wind की direction को indicate करने के लिए weathercock use किया जाता है। उसे जब उसने roll किया, round up किया, तो उसे लग रहा था कि शायद जो है ना पूरी church की building round up हो गई है। then still holding me अप ऑन द टॉम स्टोन ही वेंट ऑन। फिर भी उसे टॉम स्टोन पर पकड़े रखा उसने। स्टिल ही वॉज होल्डिंग पिप एंड ही वेंट ऑन। ही कंटिन्यूड हिज टॉक। अर्ली टमोरो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब यू वुड द लॉट टू मी। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, लॉट मतलब मच। एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर इफ यू डू इट एंड बैटरी मीन फोर्ट। ठीक है, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, आई विल लेट यू लिव। इफ यू फेल और से एनी थिंग एट ऑल अबाउट मी देन योर हार्ट एंड योर लीवर शेल बी टॉर्न आउट, रोस्टेड एंड ईटन। नाउ आई एम नॉट अलोन, देयर इज अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, इन कंपेरिजन विद हिम आई एम एन एंजल। उसे कहते हैं उसे एक्चुअली बस फ्राइटन करना चाह रहा होता है, ताकि वो उसको जो चीज़ें वो चाह रहा है उसकी डिमांड पूरी कर दे, उसको ग्रब ला दे और उसको फाइल ला दे और किसी को उसके बारे में नाम बताए। बट द पिप वॉज सो फ्राइटन एंड ही डिडंट टेल एनीवन अबाउट इट। एक्चुअली पिप हैड अ गिल्ट इन हिज माइंड कि वो अपने बहन के घर पर रहता है, बिकॉज ही इज एन ऑर्फन चाइल्ड। तो उसे ये गिल्ट था कि वो अपनी बहन के घर से ये चीज़ें चुराएगा। ठीक है, द फीलिंग ऑफ गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फूड हैज़ एन अनसेटलिंग इफेक्ट ऑन पिप। ठीक है, तो पिप पर ये बहुत ही गहरा असर डालती है ये बात। ही वॉज सो afraid of him. That young man can hear us now. अब उसे एक जो है ना एक करेक्टर कह लें कि एक वेक करेक्टर है। ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सिर्फ पिप को डराने के लिए, उसको टेरिफाई करने के लिए वो कहता है कि एक और आदमी मेरे पीछे यहाँ पर छुपा हुआ है कहीं पर, और उसके मुकाबले में आई एम एन एंजल, आई कैन डू, आई डिडंट डू एनी हार्म टू यू। तो वो तो आप तुम्हारा लीवर और जो हार्ट है वो रोस्ट करके खा जाएगा। ही वॉज सो टेरिफाइड, जो पिप है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो,
That young man can hear us now. वो हमें सुन सकता है. That young man has a secret way of getting at a boy and it and at his heart and at his liver. अब वो सारी इस conversation में उसको बस उसको frighten कर रहा है. A boy can't hide himself from that young man. Boy may lock his door, may be warm in bed, may tuck himself up. Tuck मतलब draw himself in folds. May draw on the clothes over his head, may think himself comfortable and safe, but that young man will softly creep, crawl and creep, creep and creep, crawl his way to him and tear him open. लेकिन वो यंग मैन जिस तरह से वो कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी तरह से खुद को छुपाने की कोशिश की लेकिन फिर भी दैट यंग मैन विल फाइंड यू आउट एंड विल एंड ही विल ईट एंड ही विल ईट योर हार्ट एंड लिवर. आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट विद ग्रेट डिफिकल्टी. कहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से उसको हारो कब. आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड. नाउ व्हाट डू यू से. आई वाज सो फ्राइटेंड बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फाइल एंड वुड गेट हिम what broken bits of food I could and I would come to him at the battery early in the morning. कहते हैं मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आऊँगा जितना भी वट एवर वुड बी पॉसिबल फॉर मी आई विल ब्रिंग दैट. प्रोमिस ऑन योर लाइफ सेट द मैन. आई प्रोमिस एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन. नाउ ही वेंट ऑन रिमेंबर दैट प्रोमिस एंड वेंट ऑन का मतलब है ही कंटिन्यूड हिज टॉक. I remembered that young man and get home. Good night, sir. I stammered. Stammered mean hesitantly speaking. Good night, sir. Just like that. Okay? It is going to be a long night for me, he said. He looked at the cold, wet, flat marsh. I wish I was a frog or an eel. Ab ye pip ki lines hain, okay? It is going to be a long night for me. Wo kehta hai ki kaash main ek frog hota. I wish I could be a frog and I could swim over there in the marsh, in the muddy waters. He hugged his shuddering body. Shuddering means shivering, okay? Shivering or trembling with fear. Khauf ya dar se kaampna. In both his arms as if to hold himself together. Usne apne dono haathon se apne aap ko yun cover kar liya, hug kar liya. As he wanted to control himself, hold himself together. And limped to walk towards the low church wall. He got over it slowly and like a man whose legs were numbed and stiff and turned around to look for me. When I saw him turning, I was frightened again and ran home without stopping. So, he said, when he went back to the door, he saw me. He got over it slowly. He went there like a man whose legs were numbed. Numbed mean paralyzed. Stiff mean aching, paining, okay? And then turned around to look for me. फिर उसने जाते जाते भी मुड़कर उसे पीछे से देखा. ये देखें, व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग आई वाज फ्राइटेंड अगेन. जब मैंने उसे टर्न होते देखा, आई वाज फ्राइटेंड अगेन. आई वाज हॉरिफाइड अगेन एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग. फिर वो घर भाग गया विदाउट स्टॉपिंग देयर एनीमोर. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आपको टू डेज में वर्क में अगर कर सकते हैं टू डेज में तो टू डेज में ही कर लें, लेकिन आप मस्ट करें. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं या रेफरेंस की लाइंस हैं. अब यहाँ पर हैं वर्ड्स मीनिंग्स, मैंने आपको मेंशन कर दिया. यहाँ पर आयरन, अ मेटल, टक, फोल्ड, सेफ, प्रोटेक्ट, टिल, मूव और टर्न इन स्लो पोजिशन. ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट, करंट टाइम, हग्ड, एम्ब्रेस्ड, डेंजर, टेरर, फाइल, अ टूल यूज फॉर कटिंग मेटल, fail mean flop, not succeeded, creep mean crawl, or moved slowly. There is a very interesting thing, anagrams. The letter in the words below are jumbled. Jumbled mean confused or shuffled. We call these words anagrams. I mean words ko anagrams kehte hain. Ab anagrams kya hote hain? Rearranging the letters of different words or phrases to reproduce a new word. Ki aapke paas yahan par ek word hai bread. अब इससे आप और कौन सा वर्ड बना सकते हैं यूजिंग द सेम लेटर्स. बियर्ड. ओके, व्हाट आर दीज वर्ड्स? यू विल फाइंड द एनाग्राम्स इन द स्टोरी. अब जितने भी उन्होंने यहाँ पर वर्ड दिए थे, हमने जो उनसे एनाग्राम्स बनाने थे वो सारे स्टोरी में से डिराइव्ड करने थे. ठीक है, हमने स्टोरी से ही सारे वर्ड्स लेने थे उनके एनाग्राम्स. यहाँ पर उन्हें वर्ड्स दिए थे डेज या डाइस. ठीक है,
अब उससे हमने क्या एनाग्राम बनाया है, सेड, थॉ से बट, न्यूट वेंट, नोट्स स्टोन, ये शायद मैंने इसको आर कर लिया, स्टोन, ठीक है, मेन का नेम, मेस गेम, लाइफ फाइल, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखे हुए हैं सारे एनाग्राम्स आपके स्टोरी में यूज़ हुए हैं, माइट्स टाइम्स वाइल लिव। अब ये जो सेकंड में जो दिए हैं नॉट सो इजी, ये वाकई इजी नहीं थे, मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था टू फाइंड दैम, एनी वेज आई फाइंड इट फॉर यू, और डेट्स रोस्टेड, सी एस होटल क्लोथ्स, सी एस होटल, ये सारे लेटर्स को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड बनता है क्लोथ्स, ये हमने जो स्टोरी में पढ़ा है, अर्थ हार्ट मोस्टी बोन टॉमस्टोन, ठीक है। आगे हैं एडजेक्टिव्स, ये मैंने इसलिए कर दी हैं क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है मैं लाइव नहीं समझा पा रही तो लेक्चर में इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर देम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट नाउन्स, यंग गर्ल, वी नो अबाउट अ गर्ल, ठीक है, सिंपल एक नाउन है, इसको डिफाइन कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, एज यंग, यंग, क्लेवर, ओल्ड, पुअर, शाइनिंग, स्पेयर, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, आपने उनको भी अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास फ्रेजेस का है, से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन पेज 20 आर फ्रेजेस नोट दैट द पंक्चुएशन हैज़न्ट बीन इंक्लूडेड। फ्रेज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, फ्रेज सेंटेंस का पार्ट होता है बट नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस, फ्रेज गिव्स अस एन आइडिया बट डजेंट हैव अ वर्ब इन इट, फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता, ठीक है, वर्ब जो एक्शन होता है, ठीक है, इन अ मिनट दिस इज अ फ्रेज, फ्रेज यू एंड आई अप द ट्री, माई फादर्स शर्ट अंडर द टेबल, बिहाइंड द रूम, बिहाइंड द डोर, ये सारे फ्रेजेज होती हैं। यहाँ पर मैंने इनको भी अंडरलाइन कर दिया है, सर्कल कर दिया है, ओवर द फेंस शी लाइक्स मैंगोज, यहाँ देखें शी लाइक्स मैंगोज, लाइक वर्ब है इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते, ये फ्रेज नहीं है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। थ्री एंड फोर, नो एंड डन, इन अ डिश, गुड एंड बैड, ठीक है। अब यहाँ पर है एड सूटेबल एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस टू द फॉलोइंग, यहाँ पर आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस लगानी है, यानी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, हैविंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और उसमें एडजेक्टिव होना चाहिए। आई लुक्ड एट द स्काई, शी वॉर द शर्ट ऑफ रेड कलर, ये आपकी एग्जाम्पल के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर टिप मेड्स अ कन्विक्ट, होप यू ऑल आर गेटिंग, इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द ग्रुप, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।